तो आप देख सकते हैं कि हम लोग इंटरनेशनल फिश मार्केट पहुंच चुके हैं, और ये तलवार आप देख रहे हैं कितना खतरनाक तलवार है। ये सब देख सकते हैं, सूखा हुआ मछली है। ये समुद्र की लहरों और इधर सनराइज होता हुआ। एक्चुअली हम लोग जूता उतना पहन के आए हैं, तो काफी मजा आ रहा है देखने में। उम्मीद करते हैं कि आपको भी मजा आ रहा होगा। और ये हमारा शुभंकर दादा कोथा है। कैसे हो आप सब? तो आप देख सकते हैं कि सनराइज पूरा हो गया है और यहाँ ठंड भी लग रही है, काहे कि कान का हम लोग पहन के आए नहीं, तो काफी मजा आ रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हैं, तो चलिए चलते हैं आगे और कुछ देखते हैं और क्या देखने को मिलता है। क्या शानदार नज़ारा देखने को मिल रहा है। और पहले चाय पी लेते हैं। तो फाइनली चाय पी लिए हैं और कुछ अच्छा सा लग रहा है, और चलिए इधर चलते हैं सनराइज का जो लास्ट पॉइंट है। एक्चुअली पहले आपको जो दिखाया वो नदी थी, वो एक नदी समुद्र में आके मिलती है, तो वो उधर से नदी आती है और ये जो आप दिख रहा है ये समुद्र है। तो देख सकते हैं आप, आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं, यहाँ के लहरें काफी ऊंचे ऊंचे आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये लहर कितनी अच्छी लग रही है, कितना सुकून फील हो रहा है यहाँ पे। तो सुबह के बज रहे हैं अभी 9, तो धूप भी थोड़ा थोड़ा आ गया है, तो चलते हैं। नाश्ता हम लोग कर लिए हैं, ठीक नहीं आ रहा, नाश्ता कर लिए हैं और चलते हैं अब न्यू दीघा की ओर। ये ओल्ड दीघा है, आप देख सकते हैं ये कितना कितना बड़ा बड़ा मछली है। या नहीं कॉम्प्लेट है, ये पूछी नाम उसका लॉबस्टर, लॉबस्टर हाँ, ताली झूठा ही छोटा ही कॉम्प्लेट हो गया। वो क्या बोला था, झींगा बड़ा वाला कॉम्प्लेट। ये कौन मछली है? आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ी, ये वो भी पता नहीं कौन सी है, और ये भी पता नहीं। ये सबसे महंगा बता दे, ये बंगाल का सबसे महंगा मछली। अच्छा, ये हिलसा मछली है, बंगाल की सबसे महंगी मछली, 1200 रुपए केजी यहाँ पे बिक रही है। और हमारे ग्रुप में बहुत सारे केकड़ा भाई हैं। अरे यार रस्सी बांधा हुआ ना, तो आप देख सकते हैं इंटरनेशनल फिश मार्केट में है। तो इधर पूरा फिश मार्केट लगा हुआ है और अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ से न्यू दीघा, तो वीडियो में बने रहिए। और आप देख सकते हैं कि ये फिश मार्केट, और बाकी गंदगी का तो आपको पता ही है, ये हर जगह मिलेगा। फाइनली हम लोग न्यू दीघा पहुंच गए हैं और अब यहाँ एंजॉयमेंट होगा। आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा और चलते हैं आगे और दिखाते हैं। और ये देखिए बहुत ढेर सारा ई रिक्शा लगा हुआ है, और इधर देख सकते हैं आप पूरा लॉज है इधर।
और एक्चुअली न्यू दीघा में थोड़ा सा महंगा कॉस्ट है यहाँ का, वहाँ का हम लोग एसी रूम हम लोगों को मिल गया। ये सब जो देख रहे हैं ये सब होटल ही है। एक्चुअली न्यू दीघा में यहाँ पे थोड़ा महंगा है, हम लोग जहाँ पे रुके हुए वहाँ 1000 में एसी रूम हम लोगों को मिल गया, और इधर जो है यह मिनिमम 1500 एसी रूम का लगता है इसके कारण। और यहाँ से ओल्ड दीघा जो है वो 3 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग वहीं रुकना पसंद किए। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं, वीडियो में बने रहिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। पता होना चाहिए कि ये मैडम का मोबाइल जो है वो बीच में बहते बहते बच गया। हाँ, तो हम कैसे हो गया? तो हम लोग मोबाइल दुकान खोज रहे हैं और इनका चेहरा पे काफी अच्छा स्माइल भी है, क्योंकि नया फोन खरीदने को मिलेगा घर से नहीं मिलेगा ना। ओ नो, ये सब बात मत गलत है, नहीं देंगे ना। बताया गया कि इधर है और खोजते हैं, देखिए मोबाइल दुकान अगर मिल जाता है तो अच्छा है। और ये बैड न्यूज ये है कि ये है मोबाइल शॉप, लेकिन ये बंद है और आज खुलेगा भी नहीं। तो चलिए कुछ और जगह देखते हैं। और ये देख सकते हैं कि हम लोग न्यू दीघा का जो बीच है वहाँ पे हैं और बहुत सारे लोग नहा रहे हैं, तो हम लोग भी नहाएंगे। आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं इसका नज़ारा। और ये हमारे सर नहाने के लिए जा रहे हैं। तो नहाए हम लोग बहुत देर तक, अभी बज रहे हैं दोपहर के 2, तो सोच लीजिए कि 9 हम लोग अप्रोक्स 10 बजे यहाँ आ गए थे और उसके बाद से नहा रहे थे। बॉडी पूरा टायर्ड लग रहा है, थोड़ा पैर उर भी पेन कर रहा है, तो यहाँ से पहले हम लोग पूरा बॉडी भींगा हुआ है। तो यहाँ से चलते हैं पहले रूम में कपड़ा चेंज करेंगे और फिर मिलते हैं आपसे। तो हम लोग थोड़ी देर पहले वहाँ से रूम पहुँचे, और रूम पहुँचे तो पहले मैं नहाया और फिर हमारे बाद ये देखिए, अगर आप घूमने आ रहे हैं तो ये चीज़ बहुत ही आपको होने वाली है, क्योंकि जब भी समुद्र के पानी जब हम लोग नहा रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा पानी कान में चला ही जा रहा था। किसी तरह भी बच के नहा रहे थे फिर भी जा रहा था, तो ये भी प्रॉब्लम। और मेरे भी कान में पानी चला गया है, ऐसे करे तो ढप ढप आवाज़ कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग नहा लिए हैं और फ्रेश हो गए हैं, अब चलते हैं लंच कर लेते हैं। पहले लंच करेंगे, क्या लंच करना है, ऐसे बिरयानी खाने का तो मन कर रहा है, तो यहाँ से चलते हैं पहले बिरयानी खाते हैं और उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो आपको पता है क्या करना है, नहीं अच्छा लगेगा तो डिसलाइक करो ना यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं फिर।